नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बढ़ती दर के बीच एक बार फिर कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए हैं। केरल और महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ता में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,112 नए मामले सामने आए हैं। ये किसी राज्य में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा संख्या है। पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 383 नए मामले सामने आए। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 297 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सभी राज्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा भागीदारी रखने वाले महाराष्ट्र और केरल को केंद्र सरकार ने ज्यादा सजग रहने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी ने बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा देकर चुनाव के पहले खेला इमोशनल कार्ड। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इमोशनल कार्ड खेलते हुए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का स्लोगन लॉन्च किया है। बंगाली भाषा में इसे बांग्ला निजेर में के चाय कहा गया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए तृणमूल कांग्रेस चुनाव में लोकल यानी स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को और धार देगी। ऐसे नारों के साथ ममता बनर्जी की तस्वीरों वाले होल्डिंग पूरी कोलकाता में दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में अपने मुख्यालय पर आधिकारिक रूप से इस नारे का आगाज किया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा है कि बंगाल के लोग अपनी बेटी चाहते हैं, जो पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ है। हम बंगाल में किसी बाहरी नेता को नहीं लाना चाहते। तृणमूल कांग्रेस की भाजपा के साथ तल्ख राजनीति जंग चल रही है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी का रौद्र रूप, कहा किसानों को आतंकवादी बताना घोर अपमान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस अब खुलकर मैदान में आ चुकी है। कांग्रेस के सभी नेता एक सुर में मोदी सरकार की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के भगरा में किसान महापंचायत में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि जो सरकार अन्नदाताओं के खिलाफ बात करती है वो किसी की भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के बेटे बॉर्डर की हिफाजत करते हैं उन किसानों को आतंकी बताना घोर अपमान है। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि किसानों की लड़ाई उनकी पार्टी हमेशा उनके साथ है। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पक्ष में आने वाले चुनावी नतीजों को जनता का मुहर बताती है। तो पंजाब में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार हुई है, उसके बाद बीजेपी को मान लेना चाहिए कि कृषि कानूनों में खामी है। जब देश के ज्यादातर किसान सरकार के कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं, तो मोदी सरकार जिद पर क्यों अड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए ज्यादातर नेताओं को मिली केंद्रीय वीआईपी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक दर्जन से अधिक विधायकों और सांसदों को केंद्र की ओर से वीआईपी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसमें वे नेता भी शामिल है जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खतरा आकलन रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर यह सुरक्षा उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा है कि संबंधित सभी नेताओं को बंगाल के भीतर आवागमन के दौरान केंद्र की ओर से एक्स और वाई श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेट्रो मैन श्रीधरन बोले, भाजपा ही देश का भला कर सकती है। आज के दौर में कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं। पीवी नरसिम्हा राव आखिरी भरोसेमंद नेता थे। जी हां दोस्तों, मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। वे 21 फरवरी को आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता लेंगे। केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा को उम्मीद है कि श्रीधरन के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और चुनाव में उसे ज्यादा फायदा
फायदा मिलेगा। श्रीधरन ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने रेलवे में हो रहे प्राइवेटाइजेशन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे सीरियस मिस्टेक करार दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू में कांग्रेस को बड़ा झटका, NSUI के 1400 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, देश में दोबारा से उभरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को जम्मू में बड़ा झटका लगा है। वहां पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के 1400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। NSUI की जम्मू कश्मीर शाखा के पूर्व अध्यक्ष विशाल कोतवाल ने इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। कांग्रेस में भाई भतीजावाद इस हद तक है कि बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी किसी को आगे बढ़ने का मौका तक नहीं मिलता है। वे बस कार्यकर्ता बनकर पूरी जिंदगी काट लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में बड़े पदों के लिए चुनाव नहीं होता, ऊपर से किसी को भी लाकर हमारे सिरों पर बिठा दिया जाता है। हमने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और NSUI चीफ सोनिया गांधी से इन पदों के लिए चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। इसके बजाय बैकडोर से संगठन में प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये लोग हमारा पैसा भी खा गए। उन्होंने कहा कि इसी मनमानी को देखते हुए जम्मू में NSUI के एक्टिव मेंबर्स ने रिजाइन करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चेन्नई मेट्रो का किराया 20 रुपए हुआ सस्ता, CM के पलानी स्वामी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने शनिवार को चेन्नई मेट्रो रेल में यात्रा के लिए अधिकतम किराए को 20 रुपए कम करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद चेन्नई मेट्रो का अधिकतम किराया 70 रुपए से घटकर 50 रुपए रह जाएगा। चेन्नई मेट्रो का नया किराया 22 फरवरी से लागू किया जाएगा। चेन्नई मेट्रो की नई किराए दरों के मुताबिक यात्रियों को 2 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं 2 से 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 20 रुपए होगा, जबकि 5 से 12 किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिए किराया 30 रुपए देना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सबसे बड़ी हिंसा, हजारों प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 20 हुए घायल। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सेना तख्तापलट के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के बल प्रयोग के बावजूद विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहा है। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। पुलिस ने इन्हें खदेड़ने के लिए फायरिंग की। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तख्तापलट के बाद से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में यह सबसे बड़ी हिंसा बताई जा रही है। राजधानी नेपिता और यंगून समेत कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों में सरकारी कर्मचारियों समेत हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वे सैन्य शासन खत्म करने और अपदस्थ सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और दूसरे नेताओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर मांडले में भी बड़ी संख्या में शिपयार्ड के कर्मचारियों और दूसरे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की। रबर की गोलियों और पानी की तेज बोचरों का भी प्रयोग किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टूलकिट केस में जेल गई दिशा रवि के सपोर्ट में आई ग्रेटा थनबर्ग, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन मानवाधिकार और लोकतंत्र का हिस्सा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में टूलकिट ट्वीट करके घिरी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने शुक्रवार को दिशा रवि का समर्थन किया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का मानवाधिकार है। ये किसी भी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ ही ग्रेटा थनबर्ग ने स्टैंड विद दिशा रवि का हैशटैग भी लगाया है। दिशा रवि के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग ने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया के ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया क्लाइमेट जस्टिस के लिए वैश्विक आंदोलन का एक हिस्सा है। हम छात्रों के एक समूह से मिलकर बने हैं जो केवल एक आशा की किरण के साथ एक ऐसा भविष्य बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं जो जीवन जीने लायक हो। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। RBI ने लगाई डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी, कस्टमर निकाल सकेंगे केवल 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगाया।
लगा दिया है। इसके बाद बैंक अब कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही किसी तरह की कोई जमा यानी डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने इस बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से इन प्रतिबंधों का ऐलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकलना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक की माली हालत इतनी खराब है कि आरबीआई ने इसके सभी सेविंग और करंट अकाउंट ग्राहकों को 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए निकालने की इजाजत दी है। हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों को 6 महीने की रोक की अवधि के दौरान जमा के बदले ऋण चुकाने की सशर्त अनुमति दी है। आरबीआई के मुताबिक ग्राहक कर्ज का निपटारा अपनी जमा के आधार पर कर सकते हैं, यह कुछ शर्तों पर निर्भर होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पुरानी पेंशन पर आया यह बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए जानना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा है कि एनपीएस और ओपीएस में काफी अंतर है, इसके बेनिफिट अलग हैं, इसकी तुलना नहीं हो सकती। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसमें एनपीएस से जुड़ने की उम्र, सब्सक्रिप्शन पीरियड, इन्वेस्टमेंट की रकम, एन्यूटी ऑप्शन शामिल है। यह मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है जिसे पीएफआरडीएस संभालता है। यह बाजार से रिटर्न पर आधारित है, इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं है। हालांकि पीएफआरडीए ने ऐसा मैनेजमेंट किया है जिससे रिटर्न अच्छा मिले। सरकारी आदेश के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस सब्सक्रिप्शन के फायदे के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी एनपीएस को कई बार स्ट्रीमलाइन कर चुकी है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 मार्च तक फ्री में लगवाएं फास्टैग, 102 करोड़ रुपए पहुँचा हर दिन का टोल कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शनिवार को कहा है कि देश में टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया फास्टैग पेमेंट का इस्तेमाल देश भर में 23.2% पर पहुंच गया है। एनएचएआई ने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए बताया कि कुल लेन देन की संख्या 63 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि फास्टैग के जरिए टोल संग्रह 102 करोड़ रुपए प्रतिदिन पहुँच गया है। एनएचएआई ने कहा है कि 1 मार्च तक सभी टोल प्लाजा पर फ्री में फास्टैग लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट टोल प्लाजा पर 100% फास्टैग सिस्टम लागू कर चुकी है। अब अगर आप बिना फास्टैग के टोल प्लाजे से गुजरते हैं तो आपको डबल टोल देना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुंबई पुलिस ने बीजेपी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष को बांग्लादेशी होने के आरोप में किया गिरफ्तार, कांग्रेस ने किए तीखे हमले। जी हाँ दोस्तों, सीए कानून के जरिए देश भर से अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात करने वाली बीजेपी के ही उत्तरी मुंबई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष पर बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मुंबई में रहने वाले रुबेल शेख को गिरफ्तार किया है, तो वहीं कांग्रेस इस हमले में बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के साथ इस तस्वीर में मौजूद यह शख्स बीजेपी के उत्तरी मुंबई माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष रुबेल शेख है। मुंबई पुलिस ने रुबेल शेख को फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में रहने के आरोप में पकड़ा है। पुलिस के अनुसार रुबेल बांग्लादेश का नागरिक है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी एक दो जगहों पर वर्षा और ही बर्फबारी हो सकती है। वहीं बात करें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की, तो दोस्तों इन राज्यों में घने कोहरे से बेहद घना कोहरा कुछ स्थानों पर 21 फरवरी की सुबह की छाया रह सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे का। तो दोस्तों महंगाई की मार से आम जनता बेहाल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बुरा असर उनकी जेब पर पड़ता जा रहा है। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है जिससे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। बात करें दिल्ली की, तो दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे महंगा होकर 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है, जबकि एक लीटर जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फरवरी के 20 दिनों में गिरी 3292 रुपए सोने की कीमत, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, इस साल शादियों का सीजन पूरे एक महीने पीछे है। अभी गिनती की शादियां हो रही है। अप्रैल में शादियों की बाहर आने के साथ ही मार्च महीने से ही सोने चांदी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन बात करें फरवरी की तो दोस्तों सिर्फ 20 दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। शादियों के सीजन से पहले सिर्फ 20 दिनों में सोने की कीमतों में 3292 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बात करें चांदी की कीमतों की तो दोस्तों इस समय पिछले साल के भाव की तुलना में चांदी 7594 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को मिला मौका, ऋषभ पंत की हुई वापसी। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विकेट कीपर ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को टीम में जगह मिली है। वहीं टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऋषभ पंत की भी टीम इंडिया में वापसी हुई है। T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई बदलाव हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जहां तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया, वहीं ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रदर्शन से निराश करने वाले संजू सैमसन को T20 सीरीज में मौका नहीं मिला है। उनकी जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले अक्षर पटेल को भी T20 सीरीज के लिए चुना गया है, जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी चोट से उभरने के बाद टीम इंडिया में वापसी करने में सफल रहे। तो दोस्तों T20 के लिए टीम इंडिया की टीम किस प्रकार रहेगी? विराट कोहली रहेंगे कप्तान, रोहित शर्मा, KL राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ईशान किशन, रघुवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना होगा आसान, 100 ई व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने शहर भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान के तहत यह पहल शुरू की है। INS की खबर के मुताबिक ई वाहनों के फायदों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरूकता अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में पर्याप्त संख्या में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की कोशिश के मद्देनजर सरकार अगले 2 वर्षों में हर किलोमीटर के बाद एक स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा है कि वर्तमान में 70 ई चार्जिंग स्टेशन शहर के अलग अलग हिस्सों में चालू हैं और दूसरे 70 स्टेशनों के लिए टेंडर मंगवाई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में लॉन्च हुआ मोटो E7 पावर। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनी मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन मोटो E7 पावर को शुक्रवार को भारत में लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही भारतीय बाजार में ग्राहकों को कम कीमत में एक और दमदार और फीचर से भरा हुआ फोन खरीदने का विकल्प मिल गया है। कंपनी इस स्मार्टफोन की बिक्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और बड़े रिटेल स्टोर पर करेगी। जानकारी के मुताबिक लोग 26 फरवरी को दिन में 12 बजे ये स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। कंपनी ने 2 ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा है, जिसकी कीमत 7999 रुपए रखी गई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, किस भारतीय व्यक्ति को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।